वैसे ये जो बोगनविलिया की कटिंग्स ग्रो किया था, तो 7 प्लांट को रिपोर्टिंग किया था मैंने 29 मार्च को। और ये जो प्लांट है दोस्तों, मैं आपको एक बार इसका मदर प्लांट दिखा देती हूँ। मतलब अभी इसमें पिंक फ्लावर दिख रहे हैं आपको, और उस समय जो है व्हाइट फ्लावर थे। तो ये जो प्लांट है इसमें डबल कलर के ही फूल आते हैं। मतलब जब फूल खिलता है तो सफेद कलर का ही रहता है, और धीरे धीरे जैसे फूल पुराने होते रहते हैं प्लांट में, तो इसका कलर जो है पिंक और डार्क पिंक होता रहता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं एक ही ब्रांच के अंदर डबल कलर के हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि ये अलग कटिंग्स है। बट ऐसा नहीं है, ये वही कटिंग जो हमने रिपोर्टिंग किया था वो ही है। उसमें अब जो है जैसे जैसे फूल पुराने आते रहते हैं, इसका जो है कलर चेंज होता रहता है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ है। मतलब 29 मार्च को इसको रिपोर्टिंग किया था, तो काफी अच्छे से इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, और प्लांट जो है हेल्दी तरीके से ग्रो हो चुका है। बट आज मैं इसमें न्यूट्रिशंस देने वाली हूँ। जब रिपोर्टिंग किया था 29 मार्च को, उसके बाद से अभी तक कोई भी इसमें खाद वगैरह नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं ये 5 इंच के जो छोटे छोटे से कंटेनर होते हैं, जो खाना वगैरह या मिठाई वगैरह आती है, रसगुल्ले वगैरह, उसके डब्बे मैंने जो है खरीद लिए थे काफी सारे। तो उसी में ही मैंने जो है ये रिपोर्टिंग किया था। अगर रिपोर्टिंग का वीडियो नहीं देखा है, या कटिंग्स किस तरह से ग्रो किया है 100% तरीके से, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बोगनविलिया से रिलेटेड काफी वीडियोज है, और कटिंग्स लगाना, रिपोर्टिंग करना, सभी चीजें हैं। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अभी काफी हाई टेम्परेचर है, तो अगर आप बिगनर्स है तो आप रेनी सीजन का वेट कर सकते हैं। नहीं तो आप पॉलिथीन वगैरह से कवर करके भी अभी भी जो है कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको मतलब करना आता है थोड़ा बहुत भी, तो आप फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी भी काफी कटिंग्स जो है ग्रो कर रही हूँ। जेड प्लांट की कटिंग का वीडियो आप लोगों के साथ कल ही शेयर किया है, पिछले कल, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल हेल्दी जो है कटिंग्स ग्रो किया है, उसमें भी काफी अच्छे से रूट्स भी आ गए। तो चलिए हम इसमें क्या न्यूट्रिशंस देंगे, क्योंकि ये सिर्फ 5 इंच के जो कंटेनर है उसमें लगा हुआ है, और फिर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। कुछ एक प्लांट में, सब में अभी तक फूल नहीं आया है, क्योंकि उस समय भी किसी किसी प्लांट में फ्लावर थे, व्हाइट कलर का फूल था उस समय। और अब जैसे जैसे फूल पुराने होते हैं, वैसे वैसे इसमें पिंक कलर आने लगता है। डबल कलर का प्लांट है ये, काफी अच्छा मेरा जो प्लांट है इसका। तो पहले एक प्लांट था, अब यहाँ 7 और हो गए, और एक मदर प्लांट तो है ही मेरे पास अभी तक भी। तो चलिए इनको सबसे पहले जो है न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। बोगनविलिया जो प्लांट है, इनको मैंने प्रॉपर धूप में रख रखा है, कोई शेड में नहीं है, क्योंकि बोगनविलिया बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसको प्रॉपर धूप की जरूरत है। पानी भी आप थोड़ा कम भी देंगे तब भी आपका प्लांट काफी अच्छे से चलेगा। मतलब आप रेगुलर एक बार पानी दे दीजिए तो भी काफी है, और नॉर्मली जैसे इंसेक्टिसाइड वगैरह मैं महीने में जो है 2 बार जरूर से दे देती हूँ। समर सीजन में आप ध्यान रखिए, नीम ऑयल का ही ज्यादातर स्प्रे कीजिए। मतलब कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड वगैरह ज्यादा ना यूज करें, अगर कर भी रहे हैं तो मतलब 1 लीटर में, जैसे मैं रोगर वगैरह काफी बार कर देती हूँ, तो 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml जितना ही मिक्स करें, ज्यादा क्वांटिटी में ना दे, नहीं तो लीव्स वगैरह बर्न होने के चांसेस रहते हैं। समर जो टेम्परेचर है अभी काफी ज्यादा हाई है। दोस्तों चलिए खाद देख लेते हैं क्या देने वाले हैं। और अगर आप मेरी तरह समर सीजन में भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो क्वांटिटी मैटर करती है और क्या दे रहे हैं वो भी। तो ये है सी वीड ग्रेनुअल ब्लैक वाला, और ये है NPK 10:26:26 सुफोला, और ये है एप्सम सॉल्ट। ये अभी मेरे प्लांट को काफी ज्यादा जरूरत है इन 3 खादों की। तो क्वांटिटी आप देख लीजिए, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो चम्मच है काफी बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज का चम्मच है। तो यहाँ पर मैं 1/3 चम्मच एप्सम सॉल्ट दे रही हूँ, मतलब हाफ चम्मच से भी थोड़ा और कम है ये, आप देख सकते हैं। मतलब इतना ही आपको देना है, हाफ चम्मच भी नहीं। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर करीब 20 दाने जितना, 20 से 22 दाने जितना आप NPK सुफोला दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं सीवीड जो ग्रेनुल है वो जो है हाफ चम्मच का भी, मतलब 1/4 चम्मच चाहिए, हाफ का भी हाफ है, आप समझ लीजिए। मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर है, अभी बहुत हाई टेम्परेचर है, तो आप खाद ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन प्लांट को देना भी जरूरी है। तो बस ये खाद जो है मैं एक एक गमले के लिए बता रही हूँ आपको। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप बढ़ा सकते हैं खाद को, और प्लांट की साइज भी बड़ी अगर है आपके काफी, तो आप जो है खाद बढ़ाइए।
तो बस इन सभी खाद को अच्छे से मिक्स करके, और ये जो खाद है सिर्फ एक कंटेनर के लिए है, मतलब एक प्लांट को ये देने वाली हूँ। तो चलिए किस तरह से देना है वो भी देख लेते हैं। वैसे ये कंटेनर जो है काफ़ी छोटे हैं, तो मुझे बिल्कुल प्लांट के पास ही देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेस भी नहीं है। तो आपको पता नहीं, मैं नीचे का पोर्शन शायद आपको नहीं दिख रहा हो, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको जो है आपको बता देती हूँ। हमें यहाँ से मिट्टी जो है हल्के से गुड़ाई करना है। गुड़ाई करने के बाद में हमें ये खाद जो है गमले के चारों साइड से देने की कोशिश करनी है। मेरा गमला सच में काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो मैं साइड साइड से दे रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको जो है ये जूम करके दिखा देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। बस इस तरह से आपको देना है, और देने के बाद में आपको मिट्टी से इसको जो है वापस कवर कर देना है, ये जो खाद है, या तो आप उसमें मिक्स कर दीजिए मिट्टी के साथ में। फिर आप अपने प्लांट को अच्छे से वाटर दीजिए। समर सीजन में आपको अच्छे से पानी ज़रूर देना है, क्योंकि आप जब भी इस तरह का खाद ऊपर छोड़ देंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है के प्लांट के लिए। तो मैं एक प्लांट में और देखकर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 20 से 22 दाने मैंने जो है एनपीके सुफोला का लिया है, 10 26 26 है, और यहाँ पर 1/4 चम्मच जितना सीवीड लिया है, और ये जो है 1/3 चम्मच जितना एप्सम सॉल्ट। तो यही क्वांटिटी, क्योंकि सभी प्लांट की जो लगभग साइज है सेम है, और मतलब टाइमिंग भी सेम है इनका, मतलब इनको कटिंग से ग्रो किया था, तो कोई एक साथ ही सारे हुए हैं मेरे प्लांट, और मैंने सब में खाद दे दिया है। जो इन दो पे दे के दिखाया था वही खाद में बाकी पांच में भी मैंने दे दिया है। यहाँ 7 प्लांट हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है प्लांट भी मेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप भी इस तरह से कटिंग्स लगा कर अपने जितने भी प्लांट हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो मैंने शुरू में ही बोला अगर बिगनर से आप, तो थोड़ा दिन रुक जाइए, और रेनी सीजन में जो है आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और अगर आपको आता है कटिंग्स लगाना, मतलब एक दो बार ट्राई किया है, और अगर आप लगा पा रहे हैं तो आप समर में भी लगा सकते हैं। जैसे मैं तो पूरा साल जो है कटिंग्स ग्रो करती हूँ। अच्छे से पानी दे दीजिए। बस यही आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। अपने जो प्लांट हमने लगाए थे वो भी मुझे दिखाना था आप लोगों को, कि प्लांट की कंडीशन सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हेल्दी है। तो बस ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।